बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए पार्टी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को 4 जनसभाएं करेंगे, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम के एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगाए हैं। दरअसल इस वीडियो में पीएम मोदी नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए घोटालों को गिना रहे हैं। इस वीडियो के जारी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस समय ये वीडियो जारी किया है जब पीएम मोदी एक स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में रैलियां करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो ट्वीट करके पूछा, आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पूर्व स्वयं गिना रहे हैं। खुद सुनिए उसके बाद सृजन घोटाला, धान घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाले सहित हजारों करोड़ के अन्य घोटाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। बिहार की जनता जानती है, नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफॉर्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला।